गंडई में जन समस्या निवारण शिविर में शराब एवं चखना दुकान के खिलाफ दिए थे आवेदन। मौका मुआयना पर पहुंचे नेता और अधिकारियों और नेताओं की टीम गंडई के सरकारी शराब दुकान एवं वहां लगने वाले चखना दुकानों को लेकर मुआयना करने निकले थे। चूंकि जन समस्या निवारण शिविर में उक्त शराब और चखना दुकान से होने वाली परेशानियों को लेकर महिलाओं ने आवेदन किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में हुए जन समस्या निवारण शिविर में आवेदन लगाया गया था कि सरकारी शराब दुकान में आने वाले ग्राहक चखना दुकान के आसपास शराब का सेवन करने वाले लोगों के हरकतों के चलते महिलाओं और बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त आवेदन के आधार पर आज शांति समिति की बैठक के बाद मौका मुआयना के लिए तहसीलदार टीआर वर्मा, सीएमओ प्रमोद शुक्ला, थाना प्रभारी राजेश देवदास, पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन देवांगन, उपाध्यक्ष जाबिद खान, अबू कुरैशी एल्डरमैन, हबीब खान एल्डरमैन, बालक दास डहरिया, पार्षद प्रतिनिधि नीलम नामदेव गए। इस दौरान देखे कि अटल आवास एवं सरकारी शराब दुकान जाने वाले मार्ग पर चखना दुकान लगाया गया है और डिस्पोजल ग्लास, पानी पाउच की गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है, जिस पर सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने दुकानदारों को फटकार लगाया और निकाय द्वारा सफाई करवाने की बात कहते हुए कहा कि सफाई के बाद दोबारा गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान अटल आवास की महिलाएं वहां पहुंच चुकी थी, जिन्होंने शराब दुकान को वहां से हटाने की मांग की। वहीं पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुसरो ने कहा कि अगर पूरा नगर शराब दुकान को हटाने या बंद करने की मांग करता है तो आवेदन बनाकर देते हैं, तो मैं अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करूंगा कि आवेदन पर कार्रवाई हो। इस मामले पर नगर पंचायत गंडई के उपाध्यक्ष जावेद खान से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि पार्षद में शराब दुकान हटवाने और बंद करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, सबकी सहमति बनी तो इसे जन मुद्दा बनाया जाएगा और गंडई के हर नागरिक के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर शराब दुकान हटवाने या बंद करने की मांग किया जाएगा। गंडई से रवि रजक, सीजीविजन टीवी।